अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें जो मैं प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूँ वो म्यूज़िक से रिलेटेड है। अगर आप म्यूज़िक सुनते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि बड़े बड़े स्पीकर्स पे, हेडफोन्स पे, एयरफोन्स पे, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों ये प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, ये एक ब्लूटूथ है 3.5 जैक के साथ आपको मिलता है। ये ब्लूटूथ इसका नॉर्मली बोलते हैं, आपने देखे होंगे ब्लूटूथ जो वो यूज़ भी वाले प्लग होते हैं, ये नॉर्मली एक जैसे एक छोटा सा ब्लूटूथ है। इसके अंदर बैटरी भी है, आप इसके ज़रिए से अपने म्यूज़िक को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, म्यूट वगैरह सब कुछ कर सकें। अब इसका कमाल क्या बात है दोस्तों, अब ये ब्लूटूथ है और ये आपके एयरफोन्स हैं, और ये एयरफोन्स आपके वायरलेस नहीं हैं। जब आप इसको इसके साथ यूँ प्लग इन करेंगे तो ये ब्लूटूथ, ये जो आपके एयरफोन्स हैं, ये वायरलेस भी बन गए हैं। आपने इसकी पावर बटन ऑन करनी है, आप इसको पावर बटन ऑन करेंगे और ये अपना ब्लूटूथ साथ अपने साथ ब्लूटूथ साथ अटैच करेंगे और ये एयरफोन में फिर आपके जो वायरलेस होंगे। अब इसका हेल्पफुल क्यों है दोस्तों ये जो आपको पता है जो नॉर्मली वायरलेस ब्लूटूथ आते हैं उनकी साउंड कुछ नहीं होती, जो साउंडेबल हैं वो महंगे बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके पास एक नॉर्मली एयरफोन होगा जो आपको पता लगता है कि यार ये मेरे सेलफोन के ओरिजिनल एयरफोन्स हैं और इनकी साउंड अच्छी है, बट मैं चाहता हूँ कि ये वायरलेसली बन जाए, तो आपको ये प्रोडक्ट जो 150 रुपये का प्रोडक्ट है, 150 का प्रोडक्ट है और आप इसको हर जगह यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको। तो आप इसको यूज़ करके अपने जो ओरिजिनल आपके सेलफोन के एयरफोन हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, उनको वायरलेसली यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप म्यूज़िक को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, म्यूट, कॉल वगैरह सब कुछ कर सकती हैं। और दूसरा इसका एक और फंक्शन बताऊं तो एक और फंक्शन इसका ये है कि अगर आपके पास कार में वो MP3 प्लेयर है उसमें ब्लूटूथ नहीं है, तो आपने क्या करना है, ये प्लग यहाँ पे प्लग करना है और वहाँ पे 3.5 जैक होगा, उसमें आपने जस्ट ये प्लग इन करना है। 3.5 जैसी जैक प्लग करेंगे और इनपुट करेंगे और आपने अपना सेलफोन इस ब्लूटूथ से अटैच करना है और आप जो म्यूज़िक प्ले करेंगे वो वहाँ से MP3 प्लेयर से आउट होकर आपको स्पीकर में सुनाई देगा। इसी तरह दोस्तों अगर आपके पास बड़े बड़े स्पीकर्स हैं और आप चाहते हैं उसको कंप्यूटर नहीं अटैच करना था, यूं ही लगाना चाहते हैं, तो क्या करना है कि आपके बड़े स्पीकर का हो वही होगा 3.5 जैक या 2.5 जैक होगा जो आप नॉर्मली कंप्यूटर में प्लग इन करते हैं, अपने सेलफोन में प्लग इन करते हैं। आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े डीजे जो स्पीकर आ रहे हैं उन पर एक क्या कहते हैं 3.5 जैक वाली केबल होती है, उसको मैं पता नहीं ऑक्स केबल कहते हैं, सही मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो जो आप अपने सेलफोन में प्लग इन करके प्ले करते हैं, तो उसके बाद आप क्या होता है वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उस सेलफोन को अगर यूज़ करना है तो आपने उसको वहीं करीब बैठना है, तो करीब बैठने का ज़रूरत नहीं है। आपने ये चीज़ आपने फॉर एग्जांपल ये उस डीजे की केबल है, आपने यहाँ पे प्लग करना है, अब आपने इस ब्लूटूथ से वो अपना मोबाइल कनेक्ट करना है, तो डीजे के जो आप स्पीकर्स हैं वहाँ पे आपके सेलफोन में जो म्यूज़िक प्ले करेंगे वो प्ले करेंगे। और इसकी जो रेंज की बात करें तो ये 10 मीटर तक रेंज है इसकी। इसमें अपनी नॉर्मली स्टोरेज बैटरी है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी केबल मिलेगी जिससे आपके ज़रिए आप इसको ब्लूटूथ को चार्ज करना होगा नॉर्मली, और यहाँ पे आपको माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है, यहाँ पे नॉर्मली छोटा सा माइक्रोफोन है, म्यूज़िक पावर बैक सारे फंक्शन होते हैं दोस्तों। ये जो है ब्लूटूथ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप इसको किसी कहीं भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको 3.5 जैक देखने को मिलता है वहाँ पे आपको प्लग इन करें और इसको यूज़ करें। मैंने जो नॉर्मली इसको परचेज़ किया था उसकी रीज़न यही थी कि ये जो मेरे पास एयरफोन्स हैं ये बहुत ही कमाल के हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, तो इसको मैंने वायरलेस ही बनाने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया था। इसका शौक सोचा आपने सब शेयर किया जाए कि यार ऐसी भी प्रोडक्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो, 150 रुपये का प्रोडक्ट है और 150 रुपये में मल्टीपर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, अपना कैरी कर सकते हो, आप कहीं म्यूज़िक हो वहाँ पर प्लग इन करके म्यूज़िक ब्लूटूथ करके लगा सकते हो। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक लाजिम करना ताकि मुझे पता चले कि किन किन को ये प्रोडक्ट पसंद आया, जिनको पसंद नहीं आया वो डिसलाइक कर सकती हैं, बट यार डिसलाइक मत करना क्योंकि वीडियो की रेटिंग खराब हो जाती है, कमेंट कर देना कि भाई हमें पसंद नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, लाइक करके जाएंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।